हेलो दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का है 14 डे डे थ्री की बात करेंगे। हम आज जब फर्स्ट टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज वर्सेज जिम्बाब्वे के बीच का आज का मुकाबला 14 डे में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे ने अभी 333 रन की लीड कर चुकी है। 214 पे 3 विकेट गिर चुके हैं जिम्बाब्वे टीम के। 42 ओवर खेले थे तीसरे डे में। तो दोस्तों आज वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 दिनों में 447 रन ठोके और 6 विकेट गिराए थे जिम्बाब्वे टीम ने। दोस्तों वेस्ट इंडीज 0 जिम्बाब्वे जो कि 4-8 को चलेगा। कल लास्ट मैच चलेगा जो कि हुआ 5वां डे। दोस्तों आज अगर जिम्बाब्वे ऑल आउट हो गया तो टीम ही मैच समाप्त हो सकता है। अगर आज जिम्बाब्वे ऑल आउट नहीं हुआ तो मैच कल भी चलेगा। वो फर्स्ट टेस्ट मैच का है तीसरा डे की हाईलाइट। वो आज है 4वां डे। तो जिम्बाब्वे बाय 333 रन, जिम्बाब्वे ट्रेल बाय 333 रन 2.73। लास्ट 10 ओवर में 30 रन और 2 विकेट गिराए थे वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज वर्सेज जिम्बाब्वे के बीच का फर्स्ट टेस्ट मैच का आज 14 डे है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे की बैटिंग के बारे में, देखते हैं किस तरह परफॉर्म रहा है जिम्बाब्वे की बैटिंग फर्स्ट टेस्ट मैच का 14 डे। दोस्तों हम बात करेंगे जिम्बाब्वे की बैटिंग किस तरह थी 14 रन बनाए थे 3 विकेट नुकसान पे। यहाँ चर्चा करेंगे प्लेयर्स के बारे में। जिम्बाब्वे की फर्स्ट इनिंग बैटिंग में इनोसेंट किया अभी नो डाउट है। 59 की पारी खेल चुके हैं 115 गेंदों में, 9 चौके आ चुके हैं उनके बल्ले से, 51.30 रही स्ट्राइक रेट। और इनोसेंट किया अभी क्रीज मौजूद है, नो डाउट है। और बात करेंगे मैकोनी की, 33 की पारी खेली 81 गेंदों में, 4 चौके और 40.74 रही उनकी स्ट्राइक। जोसेफ गेंद पे मैन कैच लब का, और जोसेफ की गेंद महेश कैच लब के मैकोनी को 33 पे आउट किया। दोस्तों हम बात करने वाले यहाँ पे चम्मू चिबाबा की। दोस्त चिमू चिबाबा दोस्तों आज 9 रन पे अपना विकेट गवाया था मोती गेंद पे। तो सिल्वा ने स्टप इन किया था चिबाबा को, आज 9 रन पे अपना विकेट गवा के 22 गेंदों में 9 रन बनाए थे। दोस्तों मैकोनी 33 पे अपना विकेट गवाया 81 गेंदों में, 4 चौके 40.74 स्ट्राइक रेट। यहाँ चिमू चिबाबा की बात करेंगे, 9 रन बनाए थे 22 गेंदों में, 2 चौके वो 40.90 उनकी रही स्ट्राइक रेट। मोती गेंद पे द सिल्वा ने कैच लपका, उन्हें 9 रन पे अपना विकेट गवाया था चिबाबा ने। 2 चौके 22 गेंदों में 2 चौके और 9 रन आए थे उनके बल्ले से। कारगी इरविन की बात करें कैप्टन, ब्रेथ वाइट की गेंद पे बोल्ड हुए और यहाँ 32 गेंदों में 13 रन बनाए थे उन्होंने, 1 चौका आया उनके बल्ले से। 40.62 रही उनकी स्ट्राइक रेट, उन्हें 32 गेंदों में 13 रन बनाए थे उन्होंने और अपना विकेट गवाया था बोल्ड हुए करेगी इवेंट्स कैप्टन। दोस्तों एक्स्ट्रा मिले 0 और यहाँ पे 3 विकेट गिर चुके थे डे 3 में। 14 पे 3 विकेट और यहाँ पर दोस्तों 41 ओवर और 4 गेंद हुई थी। करंट रन रेट 2.73। इनोसेंट किया 59 पे खेल रहे, मैकोन ने 33 रन पे अपना विकेट गवाया, समूच बाबा 9 रन पे अपना विकेट गवाया 22 गेंदों में 9 रन बनाए थे, 2 चौके जड़े थे। अभी तक चक्का लगा नहीं, 9 चक्के आए थे इनोसेंट किया के, 4 आए थे मैकोनी के चौके और 2 चौके आए थे चिबाबा के, 1 चौका आया था इरविन कैप्टन के, 1 विकेट गवा दिया ब्रेट राइट गेंद पे 13 रन पे कर गए इरविन ने। दोस्तों ऐसा कोई रन नहीं मिला है अभी तक वेस्ट इंडीज की तरफ से। टोटल 114 रन हुए 114 पे 3 विकेट। यहाँ पे 42 ओवर होने हैं। करंट रन रेट चलिए 2.73 करंट रन रेट। वेस्ट इंडीज वर्सेज जिम्बाब्वे के बीच का फर्स्ट टेस्ट मैच आज 14 डे है। और दोस्तों वेस्ट ने पहले टॉस जीते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, बहुत ही शानदार उसको खड़ा किया जिम्बाब्वे के सामने। और यहाँ बात करेंगे हम बॉलिंग की वेस्ट इंडीज़ की। पहला विकेट 63 पर गिरा था पहला विकेट मैकोनी का 27 ओवर की पहली गेंद पर। दूसरा विकेट गया था 84 ओवर में चम्मू चिबाबा का 32 ओवर की 5वीं गेंद पर। 114 पर गया था तीसरा विकेट करगी इरविन का 42 ओवर 34 गेंद पे। उसके बाद मैच हुआ समाप्त और 3 विकेट गिरे थे कल। आज से 14 डे। बॉलिंग की बात करें कैमर रॉच 7 ओवर डाले थे, 1 निकला मेडल 23 रन दिए थे उन्होंने और कोई विकेट नहीं ले पाए। इकोनॉमी रही उनकी 3.28। वाइट नोगन सुनरी अलजय जोसेफ की बहुत ही शानदार बॉलिंग, 9 ओवर डाले उन्होंने, 1 निकला मेडल 25 रन दिए थे, 1 विकेट भी लिया। 2.77 इकोनॉमी रही थी उनकी। जोसेफ 9 ओवर में से 1 निकला मेडल 25 रन 1 विकेट 2.77 इकोनॉमी।
केली मेयर्स की बात करें, केली मेयर्स दोस्तों चार ओवर डाले उन्होंने, टोटल चारों में से दो हुए मेडल, 8 रन दिए थे दो में से, और कोई विकेट नहीं ले पाए, 2.00 की इकोनॉमी रही। कुराकेश मोती की बात करें, 13 ओवर में से 7 निकाले मेडल, बहुत ही शानदार बॉलिंग मोती द्वारा, 25 रन दिए थे और एक विकेट भी लिया, 1.92 रन की इकोनॉमी। जोसन होल्डर की बात करें, जोसन होल्डर आज 5 ओवर डाले थे, उन्होंने मेडल को निकाल नहीं पाए, 18 रन दिए थे उन्होंने और 3.6 टीम की रही थी इकोनॉमी। और यहाँ पर दोस्तों चेज की बात करेंगे, 3 ओवर में से 10 रन देके 3.33 रन इकोनॉमी रही। दोस्तों कैरिगो पेथवाइट्स बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, 184 रन की, और यहाँ पे एक ओवर डाला था और 5 रन देके एक विकेट भी चटकाया था, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस वेस्ट इंडीज टीम में फर्स्ट टेस्ट मैच का। दोस्तों 70.50 उनकी इकोनॉमी रही थी, 4 गेंद डाली थी और 5 रन देके एक विकेट लिया था उन्होंने। दोस्तों 3 विकेट गिराए थे आज, पहला विकेट जोसेफ ने तनु मुकैनी को गिराया था, दूसरा विकेट मोती ने गिराया था, तीसरा गिराया था बेथवाइट ने, और लगातार 3 विकेट गिरे थे आज इस मैच में। कैमरोज के 7 ओवर 1 मेडल 23 रन, अलदे जोसेफ के 2 ओवर में से 1 निकाला मेडल 25 रन, 1 विकेट लिया था, बहुत ही बड़ा विकेट चटकाया। केली मेयर्स 4 ओवर में से 2 निकाले मेडल, 8 रन देखे, 2.0 की रही इकोनॉमी। केली मेयर्स 4 ओवर में से 2 निकाले मेडल, 8 रन दिए। कुड़ाकेश मोती 13 ओवर में से 7 मेडल निकाले, 25 रन देखे, 1 विकेट लिया था उन्होंने, 1.92 इकोनॉमी रही थी। जसवंत होल्डर दोस्तों 5 ओवर में से 18 रन देखे, 3.60 इकोनॉमी रही। रोस्टर चेज की बात करें दोस्तों, 3 ओवर में से 10 रन देखे, 3.33 इकोनॉमी रही थी। वो यहाँ कैरिगो पेथवाइट्स बात करें दोस्तों, 4 में से 5 निकाले, 5 रन देखे, 1 विकेट लिया, 7.50 इकोनॉमी रही थी। और दोस्तों यहाँ पे कैमरो 7 ओवर में से 1 मेडल 23 रन, अलजे जोसेफ 9 ओवर में से 1 मेडल 25 रन, केली मेयर्स का 4 ओवर में 2 मेडल 8 रन, 2.0 इकोनॉमी। कुड़ाकेश मोती 13 ओवर में 7 मेडल 25 रन दिए थे, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रहा इस मैच में। दोस्तों वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच का फर्स्ट टेस्ट मैच का 14 रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट करें, अभी तक हमारा चैनल पे है तो नए चैनल को सब्सक्राइब कराना भूले, और ऐसे हैजर के साथ जुड़े रहिए, और हमें हर एक मैच की बात स्कोर बोर्ड के साथ आप कमेंट के साथ आपके सामने वीडियो हाजिर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।